हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MSO 02 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं ताकि आप अपने एग्जाम को कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लेके अच्छे से पास कर सको। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर लें। देखो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में वो बहुत मेहनत किया है, पूरे 10 साल के क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा किया, उनको एनालाइज किया, फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पे आके भी मैं आपको थोड़ा सा 1-2 दिन पहले आके कुछ बताना हो तो वह वीडियो आपके पहले पहुँचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। ये है MSOsology MSO, इसमें जो है MSO 02 के बाद के बारे में बात करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 मार्क का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। भाग एक में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, भाग दो में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक जो है आप कोई से भी भाग से कर सकते हैं, तो 1 से कर लो या 2 से कर लो। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको छूट में मिलेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो 10-12 क्वेश्चन ही होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, वो आपको अच्छे से कर लेने, एक डायरी में लिख के रिपीट करते रहना। एग्जाम के टाइम पे जाती है ऐसे ही उनको लिख देना है। जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो सभी आए हुए हैं और आपको इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक बार आए हैं उनको इतना सीरियसली आप नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना, लेकिन जिनके ऊपर आर लिखा हुआ है, रिपीटिंग है, मैं बताऊँगा, उनको पक्का कर लेना है। तो चलो शुरू कर ले करते हैं इसमें। लॉजिकल इंक्वायरी का क्या अर्थ है और समाजशास्त्र में यह कैसे संबंधित है, वर्णन कीजिए। एक बार आया है ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो ये आगे भी आएगा, रिपीट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अनुभववाद का अर्थ की चर्चा कीजिए, क्या यह है अनुभवजन्य दृष्टिकोण से भिन्न है, तो ये देख लेना है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नारीवादी दृष्टिकोण जो होता है ना, कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो हम वहाँ पे आपको ये लिख देना है। सामाजिक वास्तविकता को समझने के संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। उसके बाद ये भी रिपीटिंग है, सामाजिक शोध वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा ये भी। सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। देखो फिर यहाँ थोड़ा सा शोध से रिलेटेड लिखा हुआ है, शोध की रूपरेखा क्या है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। शोध की रूपरेखा का सूत्रबद्ध करने के बुनियादी चरणों की संक्षेप में प्रस्तुति कीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अनुभवजन्य ऊपर भी आया था ना, उसके आंकड़े एकत्र करते समय शोधकर्ता को सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के ध्यान में कैसे रखते हैं, सविस्तार लिखिए, ठीक है, उसी से अनुभवजन्य से रिलेटेड है, कर लेना। ये एक बार आया है विज्ञान और समाज पर फ्रांसिस बेकन के विचारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, शास्त्रार्थ मीमांसा क्या है, सामाजिक विज्ञान शोध में इसके क्षेत्र विस्तार की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आगे भी आया है, रिपीट होता है, तो इसको कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन जो है सामाजिक शोध क्या है, सामाजिक शोध से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की चर्चा की करनी उनकी, शोध की विधियां कौन कौन सी है, ये ऐसे एक बार आया है। परिणात्मक और गुणात्मक शोध विधियों के उचित उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। अगस्त कामटे जो है सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है, तो उसके एक ही बार ये क्वेश्चन आया है, अगस्त कामटे के नज़रिए से समाज का विज्ञान ऐतिहासिक विज्ञान विकसित करने के विचार की चर्चा कीजिए। ये भी एक बार ही आया, सांस्कृतिक सापेक्षवाद से आप क्या समझते हैं, आंकड़ा संग्रहण में यह कैसे प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। चलो उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अनुभववाद वाला ना, ठीक, ऊपर भी आया था अनुभववाद, अनुभवजन्य, तो यहाँ पे उन्होंने राइटर का भी नाम लिखा है, जनक लॉक और डेविड हूम के विचारों के विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अनुभववाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उन दोनों के सापेक्ष में अनुभववाद का सर नारीवादी विधि यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है, उसकी विशेषताओं की जांच और उचित उदाहरण देते हुए कीजिए, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है नारीवादी वाला। ये एक बार आया है, ऐतिहासिक विधि से आप क्या समझते हैं, क्या इसका प्रयोग समाजशास्त्रीय शोधों में किया जा सकता है। ये एक बार आया, सामाजिक विज्ञान में पद्धति और पद्धति शास्त्रों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ज्ञानी मीमांसा वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है,
उसके सामाजिक शोध में इसका स्थान की व्याख्या कीजिए। केश अध्ययन क्या होता है, केश अध्ययन का सामाजिक शोध में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये भी एक बार आया है। किर्क और मिलर के आंकड़ों के विश्वसनीयता की महत्ता की चर्चा कीजिए, ये भी एक बार आया हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। सामाजिक शोध में नारीवादी प्रक्षेप पे, ये नारीवादी प्रक्षेप आप देख ही रहे हैं बार बार आ रहा है, तो इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, ये प्रत्यक्षवाद वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, में कामत का योगदान क्या है वो बताना है आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार आया, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। विज्ञान दर्शन की चर्चा फ्रांसिस बेकन की दृष्टिकोण से कीजिए, फ्रांसिस बेकन वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ऊपर आया था एक बार। सामाजिक विज्ञान की संवृद्धि से शोध की भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है, शोध की भूमिका वाला वो शोध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो रिपीट है ये भी क्वेश्चन, वो ऊपर वाले जो याद करते हैं वही यहाँ पे आ जाएगा। प्रतिचयन के विविध चार प्रकारों की चर्चा का उदाहरण देना छोड़ो, हाँ प्रतिचयन के बारे में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध के अंतर का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, एक बार आया है। सामाजिक विज्ञान शोध में सर्वेक्षण विधि की प्रासंगिकता की जाँच कीजिए, एक बार आया है। ये क्वेश्चन रिपीट हैं, आप देख रहे हो प्रत्यक्षवाद वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसकी विशेषता का आलोचनात्मक परीक्षण करना, शोध रूपरेखा रिपीट हुआ है, उसका मूल तत्व की चर्चा करनी है, नारीवादी दृष्टिकोण रिपीट हुआ है, उसकी लो आलोचनात्मक जांच करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे भाग टू शुरू होता है, अब हम भाग टू के क्वेश्चन की हम क्या है देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ इस वीडियो को उन स्टूडेंट को फॉरवर्ड करें जो MS 02 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ताकि उनकी हेल्प हो सके, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे आके आपको बताना हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। केंद्रीय परिवर्ती की मापों की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। प्रायिकता प्रतिचयन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, एक बार आया है। प्रश्नावली क्या है, इसके लाभ और दोष बताइए, एक बार आया है। ये नरजातीय वाला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया है कई बार, ये आता रहता है। नरजातीय यहाँ पे व्रत लिख दिया, नरजातीय व्रत क्या है, नरजातीय किस्म के आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है, रिपीट क्वेश्चन। सर्वेक्षण विधि इम्पोर्टेंट, बार बार आ रही है, इसके दोषों की चर्चा करनी है। सर्वेक्षण शोध क्या है और तर्काधार का क्या महत्व, सर्वेक्षण शोध वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सामाजिक शोध वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, केश अध्ययन वाला है ना, केश अध्ययन का भी वर्णन करना। त्रिभुजन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आगे भी आएगा, और सामाजिक शोध में इसके क्या प्रयोग किया जाता है। नरजातीय दोबारा आ गया, उसका वर्णन करना, चर्चा की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दो तीन दे देगा आपको कोई टिप्पणी, अगर शॉर्ट नोट देता है ऐसे, और उसमें से दो करने हैं आपको। तो यहाँ पे शोध की रूपरेखा वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शोध नमूना नहीं, फर्स्ट टाइम आया, जीवन इतिहास फर्स्ट टाइम आया। सर्वेक्षण शोध रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उसके इतिहास का वर्णन कीजिए, उनके लाभ और दोषों को बताइए। आंकड़ों का विश्लेषण करते समय शोधकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक बार आया है। सहभागी प्रक्षेपण से आप क्या समझते, एक बार आया है। अध्ययन शोध रिपीट हो गया दोबारा यहाँ पे, प्रतिचयन वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, अध्ययन शोध में प्रतिचयन की भूमिका, एक बार आया है ना। तो शोध के आंकड़ों में ऑनलाइन कैसे करते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, अगर शोध के आंकड़े हैं तो उनको ऑनलाइन इंटरनेट से कैसे एकत्रित किया जाता है, उस उदाहरण की चर्चा कीजिए, दिखाता हूँ, आगे भी आएगा, करना है इसको पक्का, रिपीट क्वेश्चन है। ये शास्त्र मीमांसा यानी कि दोबारा हो गया इसका, शोध की एक पद्धति है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, रिपीट हो रहा है। सर्वेक्षण शोध वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, उसका सामर्थ्य एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए। परिकल्पना वाला क्वेश्चन रिपीट है, आगे आएगा। परिकल्पना परीक्षण से सम्मिलित चरणों की चर्चा कीजिए, वो हो गया ना इंटरनेट वाला, आंकड़े कैसे इकट्ठे करते हैं इंटरनेट से, वहाँ पर ऑनलाइन लिखा, यहाँ पर इंटरनेट लिखा, दोनों बात एक ही है, रिपीट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शोध करते समय नैतिकता की भूमिका की चर्चा कीजिए, इम्पोर्टेंट, एक बार आया है। शोध के विभिन्न प्रकारों की चर्चा उदाहरण देते हुए कीजिए, शोध बहुत टाइप के शोध आ चुके हैं यहाँ पे। नरजातीय शोध दोबारा आ गया है, क्या इसकी चर्चा करनी, साक्षात क्या है, इसके प्रकारों और प्रतिक्रियाओं की चर्चा करनी, एक बार आया। त्रिभुजन वाला क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे आ गया, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। सामाजिक शोध में ICT प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए, एक बार आया है, ठीक है। उसके बाद सहभागी प्रक्षेपण इम्पोर्टेंट, दोबारा आ गया, सहभागी प्रक्षेपण में क्या करना है तो इसको देख लेना है, कर लेना है। परिकल्पना क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। उसके सूत्रीकरण में सम्मिलित चरणों की वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान शोध में तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधियों के महत्व पर प्रकाश डालिए, एक बार आया। प्रतिचयन रिपीट हो रहा है, प्रतिचयन में नुमालन लेना, उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान शोध में इंटरनेट वाला क्वेश्चन ऑनलाइन कैसे आप यूज करोगे, रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन।
तो ये थे आपके जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए पिछले 10 ईयर के। तो जो जो मैंने रिपीट क्वेश्चन बोले वो 10-12 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ वो जो रिपीटिंग क्वेश्चन है उनको आपको एक डायरी में लिख के उनको कर लेना है, और अगर टाइम बच जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। और मैं आशा करता हूँ आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करेंगे ये वीडियो फॉरवर्ड करके। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।